हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर मैंने फ्री ऑनलाइन क्रोशेट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज इस कोर्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आपको तीन तरीके बता चुकी हूँ ऊन को पकड़ने के और तीन तरीके बता चुकी हूँ स्लिप नॉट लगाने के। तो अगर आपने उस चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है तो आइए फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम चेन बनाना सीखेंगे, स्लिप स्टिच बनाना सीखेंगे और स्लिप स्टिचेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसका भी डेमो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने क्लास वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगी, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप क्लास वन वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्लिप नॉट लगानी बताई है मैंने पिछली वीडियो में आपको, अब हम इसके आगे चेन बनाते हैं। तो चेन बनाने के लिए क्या करना है, ये लूप है हमारे क्रोशिया में, एक ऊपर ऊन है, इस ऊन को क्रोशिया से पकड़ेंगे इस तरीके से और ये जो लूप क्रोशिया में है इसमें से इस ऊन को निकाल देंगे। तो ये एक चेन बन जाती है यहाँ, और एक लूप यानी फंदा हमारे हुक में फिर से आ जाता है। ऊन को लेंगे, फिर से इस लूप में से निकालेंगे, ये दो चेन हो गई, एक लूप हमारे क्रोशिया में आ जाता है। इसके बाद में फिर से ऊन को लेंगे और इस लूप में से निकाल देंगे, तो ये तीन चेन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से चेन बनाई जाती हैं। हर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चेन ही बनाई जाती है, तो चेन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और शुरू से क्रोशिया का काम सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिगिनर्स के लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, सारा कुछ बिगिनर्स के लिए मैं इस कोर्स में आगे लेकर आने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ चेन्स मैंने बना ली हैं, अब हम स्लिप स्टिच की प्रैक्टिस करेंगे। स्लिप स्टिच के लिए क्या करना है, एक फंदा है हमारे क्रोशिया हुक में, इसके बाद में ये देखिए एक चेन है ये वाली, उसके बाद में ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है। ठीक है, तो एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से एक तार लेंगे और इसमें ऊन को आगे लेकर आएंगे और जो फंदा हमारे हुक में है इसमें से भी इस ऊन को निकाल देंगे, तो ये स्लिप स्टिच कहलाता है। देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच हो गया, इसके बाद में दूसरी चेन पर आ जाएंगे, इसमें क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे, अब जो फंदा क्रोशिया में है हुक में है इसमें से भी इस ऊन को निकाल देंगे, तो ये दो स्लिप स्टिच हो गए। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाए जाते हैं। स्लिप स्टिच की जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसको स्लिप स्टिच बोला जाता है। इसका यूज़ किया जाता है कैप वगैरह में रिब यानी बॉर्डर बनाने के लिए, बाजू में आगे बॉर्डर बनाने के लिए और चेन को ज्वाइंट करने के लिए डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और कोई भी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जो गोलाई में होता है, जुड़ा हुआ चलता है जो गोल, जैसे कि कैप बनती है गोलाई में, उसमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग में चेन बनाई जाती है उसको हम जॉइंट करते हैं, उसमें स्लिप स्टिच काम आता है। इसका भी डेमो आगे आपको दिखाऊंगी मैं। कोई भी डिज़ाइन को बनाने के लिए जब कोई पैटर्न हम लेते हैं तो उसमें जो इसका सिंबल होता है ना वो आप ऊपर देख सकते हैं, कोने में मैंने लगाया हुआ है स्लिप स्टिच का निशान जो होता है, ये एक डॉट होती है, ये डॉट से पहचाना जाता है कि कहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, आगे सारे सिंबल्स के साथ में सारे स्टिचेस आपको सिखाऊंगी मैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। पैटर्न को रीड करने का भी तरीका आगे वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। ये देखिए सारे स्टिच स्लिप स्टिच बना लिए हैं मैंने, ये एक लास्ट चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर हमारा एक रो यानी एक लाइन स्लिप स्टिच की कम्प्लीट हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो श्रग मैंने बनाया है इसमें ऊपर जो नेक स्टार्ट की गई है ये स्लिप स्टिच के साथ में स्टार्ट की गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लिप स्टिच के साथ में चेन को गोलाई में कैसे जॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच खोल दिए हैं मैंने और चेन छोड़ दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त चेन है सीधी, इसको गोलाई में जॉइंट करने के लिए स्लिप स्टिच का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से चेन को पकड़ते हैं गोलाई में, ये देखिए सीधी है, इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए पकड़ते हैं, बल नहीं आना चाहिए इसके अंदर, इस तरीके से रखेंगे इसको। और जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई थी इसमें जो ऊपर वाला तार है इसको लेकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, तो चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे और जो लूप क्रोशिया में है उसमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये स्लिप स्टिच के साथ में चेन को इस तरीके से गोलाई में जॉइंट किया जाता है और इसके बाद में इसके ऊपर अपना फर्स्ट लाइन डालनी हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट गोलाई से स्टार्ट होते हैं उसमें स्लिप स्टिच के साथ में इस तरीके से चेन को जॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चेन बना लेती हूँ मैं, पाँच चेन बनाई है मैंने यहाँ पर, अब इसके आगे दो तीन चेन छोड़ेंगे हम सिर्फ एग्जांपल के लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एक दो तीन, तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये पांच चेन हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दी।
इसके बाद में फिर से एक बार देखिए, पांच चेन बनाएंगे, आगे की दो चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तो ये चेन फिर से ज्वाइंट हो जाएगी। तो जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं ना, जैसे कि थाल पोश में, टेबल कवर वगैरह में, तो जहाँ पर भी हमें जालीदार काम करना होता है और हम चेन को ज्वाइंट कर करके डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पर हम स्लिप स्टिच यूज़ करते हैं या फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच यूज़ करते हैं। दो स्टिचेज यूज़ किए जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए। सिंगल क्रोशिया की थोड़ी हाइट होती है, स्लिप स्टिच की हाइट नहीं होती है, तो इस तरह से स्लिप स्टिच जब हम करते हैं तो चेन बिल्कुल मिलकर ज्वाइंट होती है सिंगल क्रोशिया के साथ में, वो थोड़ी उठी हुई रहती है। तो आगे दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके की डिज़ाइनिंग हम इस वाले स्टिच के साथ करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, मैंने आपको चेन जोड़कर दिखाए हैं ना, तो यहाँ पर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक डिज़ाइन बन गया है फ्लावर की तरह। ये मैं आखिरी बार इसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक फ्लावर टाइप यहाँ पर बन गया है। छः बार पाँच पाँच चेन ज्वाइन की है मैंने राउंड चेन के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं फ्लावर की शेप में आ गया। तो कितना ज़्यादा सिंपल है, तो ये यूज़ होता है स्लिप स्टिच का, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये चेन डाली हुई है मैंने, एक टेबल रनर बनाया था, इसमें ये सारी चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन की हुई है हमने। अब यहाँ पर हम इसको जब एंड करेंगे ना, तो एंड करने में हम स्लिप स्टिच यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रो को एंड करने के लिए स्लिप स्टिच यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेबल रनर में आखिरी बार चेन डाली मैंने, और स्टार्टिंग में जो ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये रो एंड हुआ है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, तो ये एक स्लिप स्टिच का यूज़ यहाँ पर हो गया। अब इसके अलावा ये देखिए, ये एक डोली बनाई थी मैंने, इसमें भी डिज़ाइनिंग का काम है, और यहाँ पर भी मैंने क्रोशिया में चेन बनाई हुई है। ये देखिए ये तीन चेन है, इसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से डोली का जो हर एक रो होता है ज़्यादातर स्लिप स्टिच के साथ ही कम्प्लीट होता है। यहाँ पर ये देखिए एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है मैंने, अभी ये कम्प्लीट नहीं है, ज्वाइन नहीं हुआ हुआ है, तो इसको ज्वाइन करेंगे हम तीन चेन की, स्टार्टिंग वाली तीन चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ। तो ये यूज़ है स्लिप स्टिच का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छे से मैं आपको समझा पाई होंगी। ये देखिए गोल पीस हमारे ये जुड़कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच की, क्योंकि आज की वीडियो में ही मैं सिंगल क्रोशिया सिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की हमारी क्लास यानी क्लास टू यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो दोनों क्लासेज में जो मैंने आपको सिखाया है अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं आपको। क्लास थ्री में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच सीखेंगे, और क्लास फोर, क्लास फाइव, क्लास सिक्स सभी कुछ आगे आएगा। तो इंशाल्लाह जुड़े रहेगा आप मेरे साथ में, और कोई टॉपिक आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आपको मुझसे वीडियो बनवानी है, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएगा, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी मैं। तो बहुत कुछ आगे आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी क्लास थ्री में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।